नमस्कार, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण यूनिट संख्या 3 यूनिट संख्या 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि आपके यूनिट संख्या 3 में भी इसका एग्जाम में प्रश्न आता है और यूनिट संख्या 5 के अंदर भी आपके एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो अपना प्रश्न है आज का, या अपना टॉपिक है कृषि वित्त के विभिन्न स्रोत। एग्रीकल्चर फाइनेंस के रिसोर्स, फाइनेंस रिसोर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों के अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कृषि वित्त के स्रोतों की आवश्यकता क्यों पड़ी। कृषि वित्त की स्रोतों की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि किसान वर्ग बिना फाइनेंस सपोर्ट के कृषि कार्य करने में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो किसान विभिन्न प्रकार के एजेंसियों के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध या ऋण लेते हैं, जो कि 3 प्रकार का है, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण वे ऋण होते हैं जो 0 से 5 वर्ष से कम अवधि के लिए दिए जाते हैं, वो अल्पकालीन ऋण कहलाते हैं, जो कृषि कार्य से संबंधित विभिन्न कार्य आसानी से कर सकते हैं। दूसरे ऋण हैं मध्यकालीन ऋण, मीडियम टर्म लोन्स। लोन मध्यकालीन ऋण वे लोन हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय अवधि तक दिए जाते हैं। तीसरा ऋण है दीर्घकालीन लोन, लॉन्ग टर्म लोन। दीर्घकालीन ऋण वह ऋण है जो 20 वर्ष से अधिक समय अवधि के लिए किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। तो ये कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों में हमें आवश्यकता पड़ती है फाइनेंस की, जो कि एक ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं, जिससे किसान वर्ग आसानी से अपनी फसल से संबंधित सभी क्रियाएँ संपादित कर सकते हैं। तो वो कृषि वित्त के स्रोतों में शामिल होते हैं। कृषि वित्त के स्रोत मुख्यतया, मैंने आपको बताए, कृषि वित्त के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि एक शेड्यूल के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। कृषि वित्त के विभिन्न स्रोत, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। कृषि वित्त के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? तो कृषि वित्त के विभिन्न स्रोत 3 प्रकार से हम इसका विभाजन करते हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। पहला है गैर संस्थागत स्रोत। नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस। दूसरा संस्थागत स्रोत। इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तीसरा है सरकार, गवर्नमेंट। 3 प्रकार के रूप में आसानी से किसान वर्ग इन तीनों मध्यस्थों के माध्यम से ऋण राशि या फिर कृषि वित्त प्रदान कर सकता है।
अब हम बात करें गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत क्या होते हैं? गैर संस्थागत स्रोत वो स्रोत होते हैं जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियमन नियंत्रण नहीं होता है, जो कि गैर संस्थागत स्रोत में साहूकार, देसी बैंकर, सेठ महाजन, उनके माध्यम से ऋण राशि किसान वर्ग अत्यधिक ब्याज दर से उपलब्ध करता है, जिससे ऋण भार भी रहता है और ब्याज भी अधिक मात्रा से चुकाना पड़ता है। तो वो आता है गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत वो होंगे जिस पे रिजर्व बैंक का नियमन नियंत्रण नहीं होता है। जिसमें हम चर्चा करें गैर संस्थागत स्रोतों में विभिन्न मध्यस्थ या विभिन्न रूपों में आसानी से वो पैसे ले सकते हैं, जैसे साहूकार, देसी बैंकर, सेठ साहूकार, देसी बैंकर, दलाल, एजेंट, ये दलाल भी आ सकते हैं, एजेंट भी आ सकते हैं इसमें, या फिर रिश्तेदार। ये गैर संस्थागत स्रोत में शामिल है। प्रथम है सेठ साहूकार, जिससे कि गांव में अधिकतर आपने देखा होगा अत्यधिक ब्याज दर, जैसे 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा से ब्याज वसूल करते हैं। देसी बैंकर, जिसमें नियमन रिजर्व बैंक का नहीं होता है। दलाल, एजेंट और रिश्तेदार के माध्यम से पैसा लेते हैं, वो गैर संस्थागत स्रोत में शामिल है। दूसरा बिंदु है संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियमन नियंत्रण होता है, अर्थात रिजर्व बैंक इस पे कंट्रोल करता है। ये संस्थागत स्रोत बहुत ही उपयोगी हैं, इनके माध्यम से ली गई लोन राशि कम ब्याज पे उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि निर्धारित नियमानुसार उपलब्ध होते हैं। इसमें हम पढ़ें संस्थागत स्रोत, विभिन्न प्रकार के संस्थागत स्रोत हैं जिसमें हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। प्रथम संस्थागत स्रोत की हम बात करें तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के अध्याय में RBI के बारे में अध्ययन किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे देश में जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उनमें नियमन नियंत्रण करता है साख पे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही, रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में बना, रिजर्व बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 को बना। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके माध्यम से उपलब्ध वित्त प्रदान कर सकते हैं। इसी क्रम में SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8 सहयोगी बैंक थे, उनको मर्ज करके वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों में आते हैं, जो कि किसान वर्ग को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्यतया कृषि साख में उनकी गुडविल, उनकी साख के आधार पे ये ऋण राशि उपलब्ध करवाते हैं, जो कि किसानों को एक सुगम एवं सरल व्यवस्था के आधार पे ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरी हम बात करें सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक वे बैंक हैं जिसको हम
तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर। सहकारी बैंक ग्रामीण परिवेश में आपने देखा होगा जो कि एक निर्धारित फ्रेंचाइजी आरबीआई के द्वारा इनका रूल्स रेगुलेशन के तहत ये काम करते हैं, जो कि तीन स्तर पे नियमन नियंत्रण करती हैं। केंद्र स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। तो इस प्रकार से सहकारी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले हम बात करें फोर्थ व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियमन नियंत्रण इनका किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण रूप से 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद में 6 बड़े बैंकों का हुआ। वर्तमान में 21 राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत कर रहे हैं, जो कि अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। पांचवें बैंक की हम बात करें भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक वो बैंक हैं जो कृषकों को, कृषक सीमांत रहित भूमियों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते, दीर्घकालीन ऋण। छठा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वे बैंक होते हैं जो स्थानीय क्षेत्रीय निकाय के आधार पे ऋण उपलब्ध करवाते हैं, वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की श्रेणी में आते हैं, जिसमें मुख्यतया नाबार्ड की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई, जो कि दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। नाबार्ड एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार, दिशा निर्देशानुसार कार्य करते हैं। तीसरा हम अध्ययन करेंगे कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों में गैर संस्थागत, संस्थागत हमने पढ़ लिया। सरकार, सरकार के द्वारा भी रिजर्व बैंक या कृषि वित्त से संबंधित ऋण राशि, वित्त राशि उपलब्ध करवाई जाती है विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जिससे किसानों को कृषि बीमा पर राहत की राशि गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, उनकी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे सरकार भी किसानों को बहुत फायदा उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों को संक्षेप में हमने अध्ययन किया, जिसमें गैर संस्थागत, संस्थागत और सरकार की अहम भूमिका रही है, जिसमें हमने पढ़ा गैर संस्थागत स्रोत वे स्रोत हैं जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल में नहीं होते हैं, साहूकार, देसी बैंकर, दलाल, एजेंट और अन्य। संस्थागत स्रोत जिस पर आरबीआई के द्वारा नियमन नियंत्रण होता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, एसबीआई, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, भूमि विकास बैंक, कृषि विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड सम्मिलित हैं। तीसरा सरकार। इसी क्रम में हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कृषि वित्त के विभिन्न, कौन कौन सी कृषि वित्त की कमियां रहीं और कौन कौन से उनके सुझाव रहे, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे कि कृषि वित्त के विभिन्न स्रोत की कमियां कौन सी रही,
और उसके क्या क्या सुधार हैं। इस प्रकार ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि यूनिट संख्या 3 और 5 में क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, जिससे 20 नंबर आपके एग्जाम में आसानी से आ सके। तो मैं ये आपसे आशा करता हूँ और पूर्ण ऐसा विश्वास है कि ये आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, जिससे आपका उज्जवल भविष्य हो, अच्छे मार्क्स आपके आए। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।